गाइस वेलकम ऑन टैलेंटेड इंडिया और सीधे कनेक्शन करते हैं टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी एक और खास खबर की ओर। इन दिनों अगर लोगों से पूछें कि उनका फेवरेट रियलिटी शो कौन सा है तो दर्शक कहेंगे बिग बी का शो कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि बिग बी सवाल इतने इंटरेस्टिंग करते हैं। बता दें इन दिनों यह शो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। यह शो 2000 में लॉन्च हुआ था, तभी से इस शो ने अपनी जगह बना ली है। केबीसी सीजन 11 पर कई कंटेस्टेंट आते हैं अपने सपनों को लेकर, लेकिन कुछ के सपने उसमें पूरे होते हैं तो कुछ के सपने अधूरे रह जाते हैं, तो कुछ उसमें इतिहास भी रच देते हैं। लगातार कंटेस्टेंट आ रहे हैं, कोई करोड़ों जीत कर जाते हैं तो कुछ खाली हाथ अपने घर की ओर वापस लौट जाते हैं। और आज गुरुवार को हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठेंगी एक महिला। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 11 के गुरुवार के एपिसोड में राकेश शर्मा बतौर गेस्ट कंटेस्टेंट हॉट सीट पर बैठेंगी। अमिताभ बच्चन खुद राकेश शर्मा को कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर लेकर आएंगे। सोनी टीवी ने इंस्टाग्राम पर शो के इस खास एपिसोड का प्रोमो वीडियो शेयर किया है, जिसमें राकेश अपना पूरा परिचय देती नजर आ रही है। राकेश शर्मा HRD मिनिस्ट्री में डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर्ड हैं। उन्होंने राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया है। वे साल 2002 से लेकर 2007 तक बतौर OSD यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अब्दुल कलाम के साथ थी। राकेश शर्मा कहती हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें राष्ट्रपति के साथ काम करने का मौका मिलेगा। राकेश ने आगे कहा कि प्रेसिडेंट के साथ काम करना उनकी जिंदगी के कुछ सबसे खूबसूरत सालों में से एक था। राष्ट्रपति कार्यालय में कार्यरत पहली OSD बनी राकेश बताती है कि उनके सहकर्मी कई बार इस बात का मजाक बनाते थे कि प्रेसिडेंट समझे नहीं होंगे कि राकेश महिला है या पुरुष, इसलिए उनका चयन हो गया था। उन्होंने कहा कि जब तक उन्होंने कलाम के साथ काम किया वे भूल गई थी कि उनके जीवन में पिता की कमी है। कलाम के साथ बिताए वक्त को याद करते हुए राकेश बताती हैं, वह कहा करते थे कि किसी बच्चे को अगर किसी अच्छे टीचर के साथ 7 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो शैतान भी उसे बिगाड़ नहीं सकता है। उन्होंने आगे कहा, कलाम साहब के साथ काम करके इतना कुछ सीखा कि जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। राकेश ने आगे बताया कि मैंने ये सीखा कि 1-2 जोड़ी कम कपड़े भी पहन लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर कुछ लोगों की मदद कर देंगे तो इससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। यही सोचकर मैंने KBC में आने का फैसला किया है। इनसे पहले बिहार के हुलासगंज प्रखंड ढोंगरा गांव के निवासी सनोज राज ने कौन बनेगा करोड़पति में सीजन 11 के पहले करोड़पति बन इतिहास रच चुके हैं। इस बात की जानकारी सोनी चैनल ने अपने ऑफिशियल सोशल अकाउंट से एक ट्वीट के जरिए दी है। सोनी चैनल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर आने वाले एपिसोड का प्रोमो पोस्ट किया है, जिसमें सनोज 15वें सवाल का सही जवाब देकर 1 करोड़ रुपये जीतते दिखाई दे रहे हैं। सोनी चैनल के मुताबिक अब वह 7 करोड़ रुपये के सवाल का जवाब देंगे। गुरुवार और शुक्रवार को सनोज से जुड़े एपिसोड का प्रसारण होगा। अब वे 7 करोड़ के सवाल को जीत पाते हैं या नहीं, इसके लिए आपको देखना होगा यह एपिसोड। लेकिन आज KBC के इस एपिसोड में राकेश शर्मा बैठेंगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जिस महिला को अमिताभ बच्चन लाए हैं, क्या वह महिला 7 करोड़ तक के सवाल पर पहुंच पाएंगी या नहीं, उसके लिए आपको देखना होगा यह एपिसोड। और उस शो से जुड़ी खबरों के लिए आपको देखना होगा टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।